पूरी दुनिया 16 मई को भारत की तरफ देख रही होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, दुनिया का सबसे बड़ा नतीजा है, दुनिया का सबसे बड़ा फैसला है। ऐसे में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। खासतौर पर नरेंद्र मोदी के चर्चे पाकिस्तान में आजकल खूब हो रहे हैं। पाकिस्तान में न्यूज चैनलों की प्राइम टाइम बहस में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। मोदी को लेकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में किस तरह का माहौल है, क्या बहस हो रही है, और आतंकवादी हाफिज सईद नरेंद्र मोदी से कितना डरा हुआ है, ये देखना आज आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। ये नरेंद्र मोदी की हवा है जो हाफिज सईद को भी लग गई है। आरएसएस का मेंबर है नरेंद्र मोदी, जो मोदी साहब नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, आप इस बात से सहमत हैं? नरेंद्र मोदी मई जून में आ जाएगा ताकत। पाकिस्तान में आजकल नरेंद्र मोदी के नाम के चर्चे हैं। हर न्यूज चैनल पर मोदी पर बहस हो रही है। इन्होंने जो गुजरात में किया उसके नतीजे में जहर फैला है। वहाँ सवाल यही कि अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पाकिस्तान का क्या होगा? ये खुद दहशतदा है, जो अच्छे हिंदू हैं वो दहशतदा है, अच्छे इंडियन, कि ये आ जाएगा तो हमारा क्या असर करेगा। ऐसा शख्स जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी पाकिस्तान की तरफ? हम आपको यही बात अपनी कौम को समझाना चाह रहे हैं कि बात सिर्फ तहरीके तालिबान से मुजाकरात की नहीं है। फॉर गॉड सेक अपने आसपास के खतरात को भी देखें कि दूसरी तरफ से खौफनाक बादल आप पर किस तरह छा रहे हैं आके। ये सब कुछ एक नेक्सस है। काबुल से लेकर दिल्ली तक एक साजिश का जाल बिछाया गया है पाकिस्तान को बीच में नाउज़ बिल्ला क्रश करने के लिए, तकसीम करने के लिए, खून की नदियां हमारे मुल्क में बहाने के लिए। पाकिस्तान के मीडिया ने मोदी को अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना लिया है। प्राइम टाइम की बहस में पाकिस्तान मोदी को पानी पी पी कर कोस रहा है। आपको नजर आता है कि मोदी साहब को थोड़ा वक्त लगेगा उस पहाड़ से नीचे उतरते हुए। लास्ट ईयर, और ये मैं मोदी को कोट कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मोदी कहता है 700 एंटी मुस्लिम रायट्स हुए हैं इंडिया में, मोदी कह रहा है। तो अब आप सोचिए मोदी की गवर्नमेंट के साथ कितने सारे रायट्स होंगे, और कब तक अगर मैस रायट्स हो और किलिंग्स हो तो नेचुरली, मतलब भारत के हम ये कह रहे हैं कि भारत में जैसे पाकिस्तान में कहते हैं तालिबानाइजेशन हो रही है, भारत में वाकई में हकीकी तौर पर इंतखाबी मामलात को लेकर जायज तरीके से तालिबानाइजेशन हो रही है। देखिए कैसे पसंद आ गए इस हुकूमत में वहां पे क्रीपिंग फंडामेंटल क्रीपिंग एक्सट्रीमिज्म, इधर तो सब लोग कहते हैं। मैं इससे पहले आगे भी जाऊं, रघुवंशन साहब आप सर बताएं ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक होने जा रहा है, और शायद हमारी नजरें इस तरफ नहीं है जो मोदी साहब की बातें सामने आ रही हैं। है तो इंतखाबात सर, जोश खिताबत होता है, लेकिन ये तो बड़े खतरनाक स्टेटमेंट्स हैं। पाकिस्तान का अशर वो कर देंगे जो मुसलमानों का किया गुजरात में, और फिर उनके शिवसेना के लीडर कहते हैं खत्म कर देंगे 6 महीने पाकिस्तान को। ये तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट्स नहीं है रघुवंशन साहब? मोदी के नाम पर तो हाफिज सईद की भी हवा खराब हो रही है। जमात उल दावा के चीफ हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है और पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, लेकिन हाफिज सईद को मोदी के नाम के सपने आ रहे हैं वो बहुत बौखलाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यह हमेशा से दावा रहा है, मुतालबा रहा है कि मुंबई ट्रायल जो है वो पाकिस्तान कर नहीं रहा, लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके अदालत और जियाउर रहमान लखवी जो है वो गिरफ्तार हैं, कुछ लोग और गिरफ्तार हैं। अब आप समझते हैं कि अब जब नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनेंगे तो इस मुतालबे में मजीद जान पड़ जाएगी। देखिए जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी खुद कौन है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा कातिल है, मुतासिब कौम परस्त हिंदू की नुमाइंदगी करने वाला शख्स है, और फिर इसने बाकायदा अहमदाबाद गुजरात में जब ये वजीर आला था तो इस दौरान में गोधरा रेलवे स्टेशन का जिम्मेदार ये है, वहां हजारों मुसलमानों का कातिल ये है। ये तो वो शख्स है, तो इसके बारे में अगर आप ये कहें कि वो ये दावा नहीं, किसी ने आपकी नजर से गुजरा कि नहीं, एक पाकिस्तानी अखबार में भी एक पीस छपा है कि हाफिज सईद साहब पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी हैं, ये नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदुस्तान के हाफिज सईद हैं। बहुत अफसोस है मुझे भाईजान, पूरे पाकिस्तान में मेरे खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह कोई एफआईआर नहीं है ना। मैं तो हिंदुओं की खिदमत करता हूं,
पिछले हफ्ते में यानी थर में था तो वहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, उनको पानी के लिए कुएं खोद के दे रहे हैं, उनको राशन तकसीम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो हमारा रवैया तो यह है। तो जबकि नरेंद्र मोदी जो है वहां मुसलमानों का कातिल है। अब ऐसा तो आपने देखा कि पाकिस्तान में कितना डर है नरेंद्र मोदी को लेकर, और पाकिस्तान की प्रेस, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के आतंकवादी कितने डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए। मैंने 28 अप्रैल को गांधीनगर में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे ये बात पूछी। मैंने उनसे पाकिस्तान के इस डर को लेकर सवाल पूछा था और तब क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने वो आपको सुनवाते हैं। हो सकता है पाकिस्तान को आपसे डर लगता हो सकता है अमेरिका को ये लगता हो कि आप उनकी लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। आपकी जो विदेश नीति है उस पर आज आप कुछ बताना चाहेंगे, देश को भी और बाहर भी जो लोग हैं उनको ये समझ में आए कि पाकिस्तान को आपसे डरने की जरूरत है या फिर पाकिस्तान के साथ आप मौजूदा सरकार से ज्यादा अच्छी दोस्ती करके दिखाएंगे। देखिए, अमेरिका का जो चुनाव होता है उसमें जो 3-4 बिंदु मेन रहते हैं उसमें एक विदेश नीति रहती है। भारत का चुनाव होता है तो कभी भी विदेश नीति के आधार पर चुनाव न लड़े जाते हैं न जीते जाते हैं। ये सवाल इसलिए जी एक मिनट पूरा कर दो भाई। भारत में रोजी रोटी पे चुनाव होता है, गरीबी से लड़ने के लिए रास्ता क्या है, नौजवान पे रोजगार क्या होता है, इन मुद्दों पर होता है। और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि विदेश नीतियों के आधार पर हिंदुस्तान में आज समय है डिबेट करने का। लेकिन लेकिन आपके पास पाकिस्तान की क्या जानकारी है, अमेरिका क्या जानकारी है, मैं सरकार में नहीं और मेरे पास कोई ऐसी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। और बाय द वे मिली हुई चीजों के आधार पर ओपिनियन बनाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है और इसलिए मैं ऐसे अनुमान के आधार पर कोई रिस्पॉन्ड करूं उचित नहीं लगता है। तीसरी बात, एक हिंदुस्तान के नाते हमारी सोच ये है कि समस्याएं बाहर नहीं होती है, समस्या घर में होती है। अगर देश मजबूत है, सरकार मजबूत है, इरादे मजबूत है तो दुनिया कभी भी हमें आंख नहीं दिखाती है। और मेरा सिद्धांत है न हमें किसी को आंख दिखानी चाहिए, न कोई हमें आंख दिखाए, न हमें आंख झुका के रहना चाहिए, न हमने किसी को आंख झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। संबंध होना चाहिए आंख मिलाकर बात करने का, चाहे वो अमेरिका हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी हो। पाकिस्तान के दिल में नरेंद्र मोदी के नाम से धक धक क्यों हो रही है ये जानना और समझना आपके लिए आज जरूरी है। नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत और सख्त नेता की है। मोदी की इसी सख्त छवि से पाकिस्तान में काफी डर है। मोदी अपने चुनावी भाषणों में पाकिस्तान से सख्ती बरतने का संकेत देते रहे। एक इंटरव्यू में मोदी कह चुके हैं कि बम, बंदूक और बारूद के बीच बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि भारत में चुनाव विदेश नीति पर नहीं लड़े जाते। विदेश नीति के मामले में संसद में लिए गए फैसले सर्वोच्च हैं और उसी आधार पर देश आगे बढ़ेगा। फिर भी पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर कुछ आशंकाएं हैं और डर है। हाफिज सईद और तमाम दूसरे आतंकवादियों को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उनके लिए पाकिस्तान में चैन की जिंदगी जीना संभव नहीं होगा और नरेंद्र मोदी उन्हें मेहमान नवाजी के लिए बहुत जल्द भारत बुला लेंगे। यही डर उनको लगातार सता रहा है। देश भर में सबसे ज्यादा रैलियां और जनसभाएं करके अगर कोई चुनाव जीत सकता है तो नरेंद्र मोदी की जीत पक्की है, क्योंकि 16 मई को नतीजे जो भी हों लेकिन रैलियों के मामले में नरेंद्र मोदी को नंबर एक नेता का अवार्ड पहले ही मिल चुका है। रैलियों के मामले में कोई और नेता दूर दूर तक नरेंद्र मोदी की बराबरी में नहीं है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी से बहुत पीछे छूट गए और अगर तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे सही साबित हुए तो इसका सबसे बड़ा श्रेय इन रैलियों को ही जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में दावा किया है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 440 रैलियों को संबोधित किया और देश के 25 राज्यों में 3,00,000 किलोमीटर की चुनावी यात्रा की। 26 मार्च के बाद तो मोदी की रैलियों की रफ्तार और भी तेज हो गई। भारत विजय रैली के तहत नरेंद्र मोदी ने 10 मई को चुनाव प्रचार थमने तक
190 रैलियां की, यानी 26 मार्च से 10 मई तक हर रोज मोदी ने औसतन 4 रैलियां की हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए 5 से 10 करोड़ लोगों तक सीधे अपनी बात पहुंचाई। मोदी की रैली अभियान की शुरुआत में 15 सितंबर 2013 को हरियाणा के रेवाड़ी में यह शुरुआत हुई थी, जिसमें मोदी ने पूर्व सैनिकों को संबोधित किया था, और तब से नरेंद्र मोदी का यह सफर 10 मई को उत्तर प्रदेश के बलिया में खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी की रैलियों की तुलना में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी काफी पिछड़ गए। 1 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी ने सिर्फ 25 रैलियां की। हमारे पास मोदी और राहुल गांधी की रैलियों की तुलना करने के लिए कुछ राज्यों के आंकड़े हैं, तो चलिए आज तुलना करते हैं दोनों की। चुनाव प्रचार के तहत नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 53 रैलियां की, लेकिन राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 13 रैलियों को संबोधित किया। बिहार झारखंड में भी नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रफ्तार से 32 जगहों पर लोगों को संबोधित किया, लेकिन राहुल गांधी ने यहां सिर्फ 3 रैलियां की। तमिलनाडु और केरल में मोदी की 7 रैलियों के मुकाबले राहुल गांधी ने 6 रैलियां की। हालांकि दिल्ली में मुकाबला कड़ा रहा, जहां राहुल गांधी की 7 चुनावी रैलियों के मुकाबले नरेंद्र मोदी ने 6 रैलियां की। यानी 63 साल के नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो एनर्जी लेवल के मामले में 43 साल के राहुल गांधी से ज्यादा फिट और ज्यादा दमदार है। आपने अंग्रेजी की एक कहावत जरूर सुनी होगी, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। हम आपको नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आज दिखाने जा रहे हैं उस पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। इस तस्वीर में चुनावी एग्जाम के रिजल्ट से पहले नरेंद्र मोदी हैं, उनकी नर्वसनेस है और उनका कांपता हुआ हाथ है। नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीर आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये तस्वीर ध्यान से देखिए। आज सुबह नरेंद्र मोदी ने देश के नाम 7 मिनट का एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले देश के मतदाताओं से भारी संख्या में वोट करने की अपील की थी। भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी काफी सहज दिखाई दे रहे थे, लेकिन 7 मिनट के संदेश के अंतिम हिस्से में नरेंद्र मोदी के अंदर चल रही चिंता बाहर आ गई। हालांकि नरेंद्र मोदी ने आज एग्जिट पोल जरूर देखे होंगे और उनके आंकड़े देखने के बाद उनके हाथ अब खुशी से कांप रहे होंगे, और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार टेलीविजन के सामने बैठे हों, इस वक्त एग्जिट पोल्स देख रहे हों, टेलीविजन पर देख रहे हों कि उनकी क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या स्थिति है, और देखकर खुश भी हो रहे होंगे, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं और इसकी शुरुआत 16 मई को हो जाएगी। क्या 2014 के चुनावी एग्जाम में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जीत का बंपर इनाम मिलने जा रहा है? तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे कह रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय राजनीति और चुनावी इतिहास में हुई बंपर वोटिंग को भी माना जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव ने मतदान प्रतिशत के मामले में पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 66.38% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो वर्ष 2009 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत करीब 58.19% था। इससे पहले भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड वर्ष 1984 में बना था, जब मतदान प्रतिशत 64% रहा था, लेकिन उस वक्त लहर चल रही थी, और लहर क्यों थी वे भी हम आपको बताते हैं। तब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद एक लहर चली थी, और ये लहर थी कांग्रेस की, ये लहर थी राजीव गांधी के लिए, लेकिन उस लहर से भी ज्यादा वोटिंग इस बार 2014 में हुई है। 16 मई को आने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले जी न्यूज पर 100 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। देश का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय और सबसे अनुभवी न्यूज नेटवर्क आपके लिए चुनावों की ABCD से लेकर हिस्ट्री और केमिस्ट्री तक सब कुछ डिकोड करेगा। चुनावी ज्ञान से भरपूर ये 100 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता।
तो सबसे बड़ा फैसला इस देश का आप देख सकते हैं देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर। हमने दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में देश का सबसे बड़ा ओपन एयर टीवी स्टूडियो भी बनाया है, जहां चुनाव की हर खबर पहुंचेगी और इन खबरों से देश की जनता जुड़ेगी। इसे आप चुनावी खबरों का मुख्यालय भी कह सकते हैं। यहां आप भी जा सकते हैं और खास तौर पर हमारे वो दर्शक जो दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं उनके लिए ये स्टूडियो हमने खास तौर पर बनाया है और आप यहां पर जा सकते हैं और अपने अंदर मौजूद हर चुनावी उलझन को शांत कर सकते हैं। मेरे सहयोगी आकाश सोनी देश के सबसे बड़े ओपन एयर टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त, जहां दिल्ली और आसपास के तमाम दर्शक अब पहुंच सकते हैं और आकाश सोनी अब खुद आपको ये निमंत्रण अपने आप आपके सामने आकर देंगे। आकाश, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का यहां दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से। ये सेंट्रल पार्क है और अगर मैं यहां का आपका पूरा दृश्य दिखाना चाहूं, अगर यहां से हम जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत ये इलाका है। ये वो जगह है जहां जनता की आवाज सुनने के लिए हमने खास व्यवस्था की है। 6 कैमरे का सेटअप है, यहां पर क्रेन है और जो भी आसपास के इलाके में आ रहा है। और ये वो जगह है जहां एक मेला सा आज से ही लगना शुरू हो गया है। तो 16 तारीख तक जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते, आगे सरकार जब बनती है उससे पहले रोज शाम 5 बजे के बाद दिल्ली और आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो यहां आ सकते हैं, अपने दिल की बात पूरे देश के सामने रख सकते हैं। पूरे देश में किसी भी टेलीविजन चैनल का ये सबसे बड़ा ओपन एयर ऑडिटोरियम है। वहां अभी रात में नजर नहीं आएगा, लेकिन शाम को अगर 5 बजे से आप हमारे साथ आए तो भारत का झंडा, विशाल तिरंगा एक लहरा रहा है, ऊपर खुला आसमान है, चांद नजर आ रहा है। और यहाँ पूरे देश के अलग अलग इलाकों से आज मुझे लोग मिले, झारखंड से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक बात जरूर कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री चाहे जो भी बने वो ये जरूर याद रखे कि वो देश का सेवक है, इस जनता का सेवक है। इस जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है कि उसकी ताकत नेता भी समझे। और इसमें कोई शक नहीं कि यहां पर भी जो स्पॉट पोल था उसमें नरेंद्र मोदी के समर्थक सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन वो सब भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दिल्ली और आसपास के दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे, उनको ये हम निमंत्रण देना चाहते हैं कि अगर आप जी न्यूज की चुनावी कवरेज से जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना विश्लेषण देश तक पहुंचाना चाहते हैं, इस लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारे इस मेकशिफ्ट स्टूडियो में आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज 1952 में गज सिंह को जोधपुर का महाराजा बना दिया गया था। गज सिंह सूर्यवंशी राजपूत परिवार के उत्तराधिकारी हैं। उनकी रियासत 1971 में खत्म हो गई थी जब संविधान में संशोधन किया गया था। 1965 में आज ही के दिन सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान लूना 5 चांद पर क्रैश हो गया था। इसे चांद पर भेजे गए महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जाता है। 2008 में आज चीन के सिचुआन में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से भारी विनाश हुआ था और 69,000 लोग मारे गए थे। और आज ही के दिन 2014 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे। मैं ये जानकारी आज ही के दिन अगले वर्ष आपको डीएनए में जरूर दूंगा। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।